बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी मिनरल्स के। आज हमारा टॉपिक है, न्यूट्रिशन चैप्टर का नाम है, जो कि फेडरल और ऑल ऑफ पंजाब बोर्ड में पढ़ाई जाती है। मिनरल्स बच्चों इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि अर्थ से हासिल किए जाते हैं, जमीन के अंदर पाए जाते हैं। अब बच्चे सोचेंगे कि जमीन के अंदर, सर ने तो कह दिया जमीन के अंदर पाए जाते हैं, तो ये जमीन की मट्टी खाना शुरू कर देना। बच्चे तो छोटे वैसे भी खाते हैं, लेकिन आपने मट्टी नहीं खानी, ठीक है, क्योंकि हम इनडायरेक्टली मिनरल को हासिल करते हैं। प्लांट्स डायरेक्टली मिनरल को हासिल कर रहे हैं, हम इनडायरेक्टली मिनरल को हासिल करते हैं थ्रू एनिमल्स या प्लांट। देखें मिनरल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, बच्चों गौर से सुन रहे हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं कहाँ पे, अर्थ के अंदर, जमीन के अंदर। अब ये हम डायरेक्टली मट्टी तो नहीं खा सकते, हम अगर प्लांट्स खाएंगे, ठीक है, यानी कोई दालें वगैरह खाते हैं, नट्स वगैरह खाते हैं, तो उसके अंदर मिनरल्स पाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, और अगर या एनिमल्स खाएंगे, अब एनिमल्स के अंदर कहाँ से आते हैं, थ्रू प्लांट्स आएगा। बकरी किसको खाती है, पौधा खाएगी। बकरी को जब हम खाएंगे, कच्ची नहीं खानी, पका के खानी है, तो उसके अंदर साफ सी बात होगी, क्या आएगा, मिनरल्स भी आएंगे, ठीक है। अच्छा, तो दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस बॉडी फंक्शन आर नेसेसरी टू मेंटेन हेल्थ, ठीक है। आप अभी मिनरल्स आगे पढ़ेंगे, मिनरल की डेफिशिएंसी नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, उसके अंदर बचे एक आयरन, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी अगर हो तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। हीमोग्लोबिन, ये आयरन का फॉर्मूला है बच्चे, Fe, और ये हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को पकड़ता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है, यानी ब्लड जो है ना, जब फ्लो करता है ना, उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, हीमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन को अपने साथ पकड़ के खींच के लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन कहते हैं तू भाई किधर जा रही है, इधर मेरे साथ आओ, और जाके वो सेल्स के अंदर जाके उसको प्रोवाइड करते हैं। तो हीमोग्लोबिन क्या है, बेसिकली एक आप समझ लें कि मॉलिक्यूल है, जिसका मेन कंपोनेंट क्या है, आयरन है। अगर हमारी डाइट के अंदर आयरन की कमी होगी, तो हीमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं बनेगा। हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो क्या कहेंगे लोग, कहते हैं कि रेड ब्लड सेल की कमी है। बेसिकली रेड ब्लड सेल के अंदर मेजर कंपोनेंट क्या है, हीमोग्लोबिन ही होता है, ठीक है। तो दे प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन ए वेरियस बॉडी फंक्शन एंड आर नेसेसरी टू मेंटेन द हेल्थ। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन ह्यूमन डाइट कम डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। हम डायरेक्टली बच्चे क्या करते हैं, प्लांट्स खा के हम मिनरल्स हासिल कर सकते हैं, एंड वाटर के अंदर भी मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। बाद ना मिनरल मिनरल रिच वाटर, ठीक है। अभी देखें, जब आप वो बॉटल लेते हैं कोई इस किसी शॉप वगैरह से, जो जिसे कहते हैं फिल्टर वाटर, तो उसके ऊपर लिखा होता है मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स कंपोनेंट कौन कौन से, कैल्शियम पाया जा रहा है, ये पाया जा रहा है, वो डायरेक्टली। इसके अलावा आपको ना एक आयोडीन मिला, नमक, ठीक है, वो मिनरल उसके अंदर ऐड किए जा रहे हैं। अच्छा, और इनडायरेक्टली हम एनिमल से ले रहे हैं, डायरेक्टली हम प्लांट से ले रहे हैं, प्लांट डायरेक्टली किससे ले रहे हैं, सॉइल से ले रहे हैं। हम डायरेक्टली प्लांट से ले रहे हैं और इनडायरेक्टली एनिमल से ले रहे हैं, क्योंकि एनिमल डायरेक्टली सॉइल से नहीं लेते, वो किससे लेते हैं, पहले प्लांट से। और बाकी बाकी बच्चे आपने ये याद रखना है, मिनरल जो है ना, ये मेजर सोर्स, सॉरी, मिनरल आर कैटेगराइज एज ए मेजर एट ट्रेस। मेजर मिनरल्स क्या हैं, जो कि हमें 100 mg, 100 mg पर डे चाहिए, यानी 100 mg पर डे चाहिए या इससे ज्यादा चाहिए, और ट्रेस मिनरल क्या है, जो 100 mg से कम चाहिए, ठीक है। बाकी इसका टेबल भी साथ ही डिस्कस करते हैं, ताकि ये टॉपिक हम अच्छी तरह एंड कर सकें। ये टेबल बच्चे, जितना भी चीजें मैं आपको समझाता जाता हूँ, मिनरल्स कौन कौन से, मेजर और मेजर मिनरल, सोडियम है, पोटाशियम है, क्लोराइड है, ठीक है, कैल्शियम है, ये मेजर मिनरल्स है। इसके अलावा मैग्नीशियम और फास्फोरस, इनके अभी आपने मिनरल्स के नाम याद करने हैं, बाकी इनके जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो देखते जाते हैं। तो सोडियम बचे, एक तो फ्लूड बैलेंस इन बॉडी, यानी बॉडी के ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन के अंदर ये हेल्प करता है, बॉडी के अंदर फ्लूड का बैलेंस करता है, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। और ये जो है ना, अभी इसमें ये लाइन नहीं लगी हुई, बल्कि यहाँ पे अगर लाइन लगा दे, अभी समझ नहीं आ रही, बार चले देख लेते हैं। अच्छा, इम्पॉर्टेंट फॉर मसल कॉन्ट्रेक्शन, रोल क्या चीज़ है इसके अलावा। एक तो हमारे पास ये सोडियम की बात की, इसने फ्लूड बैलेंस कर रहा है, ठीक है, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इम्पॉर्टेंट फॉर मसल कॉन्ट्रेक्शन। और फिर पोटाशियम भी फ्लूड बैलेंस कर रहा है, नर्व इम्पल्स करने में हेल्प करता है, ठीक है, जो इम्पल्सेज हैं, एक्ट एज ए को फैक्टर, यानी एंजाइम के अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है वो पोटाशियम होता है, ट्रांसमिशन ऑफ हार्ट फंक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ हार्ट फंक्शन नहीं, ट्रांसमिशन के अंदर, यानी मैसेजेस, इम्पल्स, नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन के अंदर ये हेल्प कर रही है, एक ही टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा हार्ट को प्रॉपरली फंक्शन करने के अंदर पोटाशियम इस्तेमाल होता है, ब्लड प्रेशर के लिए, कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। क्लोराइड जो है ना, फ्लूड बैलेंस इन बॉडी, बॉडी के अंदर बैलेंस करने, कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी HCl जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है, जो कि हम इंशाल्लाह इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, वो जो HCl है उसके अंदर क्या चीज़ है, ये क्लोराइड, ये क्लोरीन कहाँ से आएगा, यानी हमारी बॉडी के अंदर ये तो नहीं कोई तेजाब बन रहा है, कोई फैक्ट्री लगी हुई है। फैक्ट्री कैसे, मतलब हाइड्रोजन जो होता है और क्लोरीन मिलके
बनेगा ये HCl बनेगा, तेजाबियत जो बनती है एक बार दफा ज्यादा तेजाबियत होती है, लेकिन एसिड हमारी एसिडिटी जो है ना हमारे स्टमक के अंदर एसिड बनता है, कौन सा एसिड बनता है HCl, उसके अंदर ये जो क्लोराइड है वो हमें मिनरल चाहिए उसके लिए, अगर मिनरल की कमी होगी तो एसिड नहीं प्रोड्यूस होगा, एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारी बॉडी में डाइजेशन नहीं होगी। कैल्शियम जो है ना बच्चे बोन्स के लिए और टीथ की डेवलपमेंट के लिए चाहिए, इसके अलावा ब्लड को क्लॉट करने के लिए चाहिए, यानी जिन मेंबर्स के मेंबर कह रहा हूँ जो बच्चे या फिर जो लोग हैं उनको अगर जख्म हो जाए ठीक है और उनकी ब्लीडिंग ज्यादा होती है, इसका मतलब उनके अंदर कैल्शियम और प्लेटलेट्स की कमी है, ठीक है, फाइब्रिनोजन की कमी है, तो कैल्शियम अगर आप डाइट के अंदर अच्छा आ रहा है तो क्लॉटिंग जो है ना नॉर्मल फिर अच्छी होगी। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ, फास्फोरस भी यही चीज चाहिए। आगे हम ट्रेस मिनरल्स को देखते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने ना लाइन नहीं लगाई हुई ना फिर, बल्कि ये कैल्शियम सोडियम पोटेशियम ठीक है। आयरन बच्चे देखें, मैंने आपको बताया ना आयरन इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एड इंसुलिन एक्शन, जिंक हो गया, इसके बाद हेल्प इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, जिंक जो है ना यानी ग्रोथ के अंदर और दूसरा रिप्रोडक्शन यानी जो स्पर्म सेल्स होते हैं और एग सेल की मैच्योरेशन में हेल्प करता है। अच्छा फिर इसके बाद जो है ना ये एक्ट एज ए एंजाइम कोफैक्टर और सपोर्ट अ इम्यून फंक्शन, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। कॉपर जो है कोफैक्टर यानी नॉन प्रोटीन पार्ट है। क्रोमियम जो है ना ये इंसुलिन एक्शन, इंसुलिन को प्रॉपर वर्किंग करने के अंदर हेल्प करता है। स्टेबलाइज द बोन मिरर एंड हार्डनेस इन टूथ एनेमल, देखिए बच्चे टीथ जो होता है ना टीथ का सबसे जो बाहर वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं एनेमल, क्या कहते हैं यानी टीथ है ना उसकी जो सबसे बाहर वाली कवरिंग है उसे एनेमल कहते हैं। उसके अंदर होता है डेंटाइन, उसके अंदर का पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं डेंटाइन, उसके अंदर होता है पल्प, ठीक है। सबसे जो हार्डेस्ट लेयर होती है ना एक टीथ की वो होती है एनेमल बाहर वाली, अगर बाहर से टीथ रपचर हो जाए ना तो आप क्या कहते हैं वो कीड़ा लग गया है कैविटी बन गई है, ठीक है। तो जो टीथ है यहाँ पे किधर गया जी, जी ये स्टेबलाइज द बोन मिनरल्स एंड हार्डन द टूथ एनेमल। अगर आप फ्लोराइड लेते हैं, बाद में टूथपेस्ट पे लिखा होता है फ्लोराइड, यानी वो आपके दांतों के एनेमल को क्या कर रहा है स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अगर आपकी डाइट के अंदर फ्लोराइड ज्यादा है तो आपके टीथ स्ट्रॉन्ग होंगे, दूध पिए ठीक है, उसके अंदर कैल्शियम और फ्लोराइड पाया जाता है, ठीक है। अच्छा आयोडीन, कैल्शियम भी आपके दांतों के लिए ज्यादा वो है। आयोडीन क्या चीज है, थायराइड के फंक्शन के लिए, इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ ताकि आपको ये थोड़ा सा समझ आ जाए, लेकिन उस टाइम पे भी हम पढ़ लेंगे। थायराइड बच्चे जो है ना एक हमारा ग्लैंड होता है हमारे गले के अंदर जहाँ पे लैरिंग्स होता है ना जो वॉइस बॉक्स जिसे कहा जाता है, इसके नीचे करके थायराइड ग्लैंड होता है, इसके लिए आयोडीन चाहिए होता है यानी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। थायराइड ग्लैंड जो है अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग करे उसके लिए क्या चीज चाहिए, आयोडीन। अब अगर हमारी डाइट के अंदर आयोडीन ना हो ना, आयोडीन हम ना लें, तो वो जो थायराइड है ना वो स्वेल होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ना उसे क्या कहते हैं ग्वाइटर कहते हैं, गलड़, ठीक है। गला जो है ना वो बिल्कुल प्रॉपर जो है ना यहाँ पे अभी मुझे अगर मिल जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ना मिला तो लेक्चर यहीं पर खत्म कर जाएंगे। यानी आयोडीन हमें डाइट में चाहिए, किस लिए चाहिए बच्चों, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, किसकी फंक्शनिंग के लिए, ये आ गया आपको जी ये ग्वाइटर, आपको अगर ये इसकी डायग्राम यहाँ पे नहीं है, मैं ये देखना चाह रहा था ग्वाइटर क्या चीज है। इट इज अ कंडीशन कॉज बाय इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयोडीन इन डाइट, यानी डाइट के अंदर अगर आयोडीन की कमी हो जाए बच्चों तो आयोडाइन की आयोडीन किस लिए चाहिए, थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर वर्किंग के लिए। थायराइड का काम क्या है, वो एक हार्मोन क्रिएट करता है जिसे कहते हैं थायरोक्सिन, और दूसरा हार्मोन क्रिएट करता है जिसे कहते हैं कैल्सिटोनिन। वो बात की बातें हैं, लेकिन आपने ये याद रखना है अगर आयोडीन डाइट में नहीं होगा तो जो थायराइड ग्लैंड है जो कहाँ पे होता है, लैरिंक्स, लैरिंक्स में व्हाइट बॉक्स होता है ना, अगर आप गले को दबाए ना मेल के अंदर वो जो है ना थोड़ी सी वड्डी सी बाहर निकली होती है जिसे एडम एप्पल भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है ना ये गले को नीचे से दबाए तो ये बेसिकली क्या चीज होती है, ये इसको कहते हैं लैरिंक्स। लैरिंक्स के नीचे क्या होता है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर वर्किंग के लिए हमें क्या चीज चाहिए होता है, आयोडीन। अगर आयोडीन की कमी होगी तो थायराइड ग्लैंड क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, जिसे क्या कहते हैं क्वाइटर कहते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, और अगर समझ आता है तो अपने दोस्तों से भी लाजमी शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अल्लाह हाफिज करते हैं आपके लिए, अल्लाह हाफिज।